Hello everyone. After the Scotland tour, we came back to England. This is the place जहाँ मेरा भाई रहता है. And after resting for whole day, हम निकल गए ग्रीनविच जहाँ योगेन रहता है. उसके पहले let me tell you one haunted fact about the Leamington Spa. यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है वो हॉन्टेड है. बट मुझे ये बात भाई ने बाद में बताई. रूमर्स आर कि वहाँ प्लेटफॉर्म पर स्पिरिट्स दिखाई देती है, डोर्स अपने आप बंद चालू होते हैं और बहुत सारी बातें. यू कैन सर, वेल आई वॉज देयर ऑन सेकेंड प्लेटफॉर्म. मेरी तो सुन के ही फटली थी. एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू आवर टूर. भाई साहब, यह रहता है हमारा दोस्त. तू तो बोले नीचे खड़ा हूँ. हाँ अभी आया. ओहो भाई साहब, खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे तो. बड़ी 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 बिल्डिंग में. हाँ भाई, दिखाएंगे ना कि नागपुर का लौंडा कहाँ पहुँच गया. वे लोगन का घर ग्रीनविच स्टेशन से 10 मिनट वॉकिंग पर था. एंड अगले 3 दिन मेरे पैरों की बहुत वाट लगी है. इट वॉज लेट एट नाइट, तो सब बंद हो गया था. बट योगेन हमें वॉकिंग टूर पर ले गया. कोवर्किंग स्पेसेस है, कैफेज, रेस्टोरेंट, कूल एटमॉस्फेयर दिखने के लिए पूरा एकदम. इंडिविजुअल आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स को उन्होंने मौका दिया इधर आके बनाओ. हां, अपनी कलाएं दिखाओ. जब भी दिन के टाइम पे पूरा वैसा एक्टिव रहता काफी. ये तो अभी रात में इतना सेक्सी लग रहा है. ये नाव गैलरी, आर्ट गैलरी. यहाँ पे आर्ट, यहाँ पे इंडिविजुअल आर्टिस्ट घूमते रहते और अपने अपना एग्जीबिशन लगाते हैं. यहाँ पे तो स्केटर्स लोग का पार्क लग रहा है. एंड इफ यू आर फ्रॉम लंडन और समवेयर नियर, आपको O2 पता होगा. जिन्हें नहीं पता, O2 इज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट एरिना. यहाँ काफ़ी फेमस आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते हैं. इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है यार. इतने सारे कैफेज, मूवी थिएटर और बहुत कुछ. इंडिया में अपने 4 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं. दूसरे दिन सुबह होते ही मैं एंड सुश्रुत निकल गए लंदन की हैपनिंग प्लेसेस एक्सप्लोर करने. केबल कार की इन्फो मैंने सेकेंड पार्ट में ही दिया था. यू कैन वॉच दैट. तू इतनी दूर हम जा रहे हैं सिर्फ मोमोज खाने. जगह काफ़ी दूर है बट यहाँ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी सेक्सी है. तो वी रीच देयर एट नो टाइम. हमने नाम सुना था कैलाश मोमोज का एंड वी वॉन्टेड टू ट्राई इट. हमने वहाँ वैरायटी ऑफ मोमोज ट्राई किए. इवन वीडियो एडिट करते हुए मेरे में पानी आ रहा था. इफ़ यू आर इन लंडन, गिव इट अ ट्राई. इतने अमेजिंग मोमोज मैंने अभी तक इंडिया में भी नहीं खाया. So after having tasty momos, अब टाइम है फेरी का. It's time for some ride. मिलते हैं वहाँ पे. चलो.
आफ्टर दिस डिलीशियस मील हम निकल गए फेरी के लिए। अब यह आए हैं तो सब ट्राई कर लेते हैं। तो आधा टाइम तो हमारा ढूंढने में गया कि फेरी हमें कहाँ से मिलेगी। आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉकिंग एंड चेंजिंग ट्यूब वी गॉट टू द प्लेस। द गुड थिंग अबाउट फेरीज इज यू कैन पे यूजिंग योर ऑस्टर कार्ड विच विल कॉस्ट यू 3.8 pounds प्लस काफ़ी चीप है एंड हर 5 से 10 minutes में आती है। वेल हम बैठे गलत बोट में, आप खुद ही देखो। So we started from that corner actually. तो भैया हमने 7 pounds खर्च किए। 7 pounds खर्च किए हमने इस साइड से उस साइड आने के लिए और वापस जा रहे उधर 7 pounds खर्च करके इधर से उधर। हो गया ना एक क्या है ऐसे हॉरिजॉन्टल जर्नी को भी अभी वर्टिकल बाकी है। सबका मजा देते हैं हम यार ऐसे। 14 pounds इसके थोड़ी क्या तो इसके सिर्फ 14 pounds। उसके बाद में जो लंदन के लिए लेके जाएंगे फेरी उस पर अलग 7 pounds। नहीं ओ हाँ 7 pounds यहाँ से 3.8 होता। ओह स्टिल थोड़ा इतना पैसा कमा दे थोड़ा नहीं। एंड फाइनली वी गॉट आवर बोट उबर बोट। सो ये उबर बोट हमें सारे ब्रिजेस के नीचे से लेकर जाएगी जो थेम्स रिवर पर बने हैं। एंड एंजॉय द सीन्स। अंदर बस आ जाएगा बाहर बस सो वी आर अंडर उबर बोट। No way. उसके बाद हमारे पास स्टिल काफ़ी टाइम था टू मीट हुसैन एंड नोगेन। तो हम लंदन आ देखने चले गए। I wanted to ride on London Eye, but a crazy crowd था। Well, it is also going to cost you 45 pounds, and उतना ज़्यादा time नहीं था unfortunately। You
You want to take one picture? Yeah. Thank you. After chilling there for some time, हम निकल गए सोहो. It was Friday. एंड यहाँ का वीकेंड कैसा होता है आप खुद देखो. There was one theater जहाँ Harry Potter and the Cursed Child का play होता है. ये वो theater है. So what are we gonna have today, Yogin? Pastel देना था. What's that? It's a custard dish, sweet dish from Portugal. Portugal, oh nice, nice. उसके बाद वी वेंट टू चाइना टाउन. नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड वीकेंड. वहाँ आई ऑल्सो विजिटेड लेगो स्टोर जो काफ़ी अमेजिंग था. एंड वी वेंट टू अ स्मॉल शॉप कुछ नया ट्राई करने के लिए. वहाँ हमने खाया बन जो मोमोज के बड़े फुफारी सामान दिख रहे थे बट काफ़ी अमी थे. क्या खा रहे हो आप? क्या था बन? होममेड बन्स. लंदन मिला ये और कितना अच्छा भाव बने. आप अपने हिसाब से खाओ. आप खाओ. तो मसाला कुछ आया नहीं क्योंकि बन बन आया मेरे नहीं. थोड़ा सा अंदर तक जाना पड़ता ना उसके लिए. मेरी बंद हो गया था गलती से. वापस चालू किया. सही में अच्छा है. ये नूडल्स बेक नूडल्स ऐसी होती है. बेक नूडल्स
एक वाली ये भैया पहले हम पे हंस रहे थे थोड़ा। अगर आप चाइना टाउन आते हो तो ये शॉप जरूर आना। मेन काम डील हो रहा है। विद दिस ये व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड और ट्रैवलिंग व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर मोर अपडेट। तब तक के लिए दिस इज रजत पखाले साइनिंग आउट।